आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अगर राज्य पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाते हैं तो इससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में रिकॉर्ड 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से पेट्रोल उत्पाद पर वैट कम करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य कैबिनेट सहयोगियों ने भी राज्यों से वैट कम करने का आग्रह किया था। हालांकि महाराष्ट्र सहित एक दो राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने वैट कम नहीं किया। इससे पहले अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों से पेट्रोल उत्पाद पर अपने करों को कम करने के लिए अपील की थी। इस बीच आरबीआई ने बुधवार को रेपो रेट में फिर 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके साथ ही रेपो रेट बढ़कर 4.9% हो गया है। पिछले महीने केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। विशेषज्ञों के मुताबिक रेपो रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा और यह दिसंबर तक आरबीआई इसमें इजाफा करता रहेगा। आरबीआई के इस फैसले से सभी प्रकार के रिटेलर और एमएसएमआई लोन महंगे हो जाएंगे। तो वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के लिए बाह्य कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। युद्ध की वजह से सप्लाई बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।